हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा चैप्टर है चैप्टर 8। चैप्टर 8 का नाम है बापू की सीख। देखिए स्टूडेंट्स, किसी ना किसी व्यक्ति को कोई ना कोई व्यक्ति कोई सीख जरूर देता है जो उसके भले के लिए होती है और वो उसे अपने जीवन पर लागू कर लेता है। तो उसी के आधार पर इस चैप्टर में गांधी जी के बारे में बताया गया है कि उन्होंने एक बार अपनी पत्नी को एक उपदेश दिया कि उनकी पत्नी एक बार बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। तो उन्होंने एक पुस्तक में पढ़ा कि बीमारी में नमक न खाएं तो उससे लाभ होता है, तो जिसकी वजह से वो अपनी पत्नी से नमक छोड़ने के लिए कहते हैं। लेकिन उनकी पत्नी कहती है कि क्या तुम नमक खाना छोड़ सकते हो? तो जिस पर वो कहते हैं कि पर उपदेश कुशल भव तेरे, कि दूसरों को उपदेश देना बहुत सरल है लेकिन उसको मानना बहुत ज़्यादा कठिन। तो वो इस बात को मानकर खुद ही नमक खाना छोड़ देते हैं। तो ये सीख भी उन्हें तभी मिलती है जब वो अपनी पत्नी को उपदेश देते हैं। तो चलिए हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कठिन शब्द करते हैं। जन्मदिन, तस्वीर, मालाएं, बीमारी, परोपदेश, स्वस्थ, भलाई, स्वादिष्ट, औषधि, लाभ। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। विशाल एक बच्चा है। विशाल वो अपने स्कूल से घर आता है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि आज तुम्हारे स्कूल में क्या हुआ। तो उसका बेटा उसको बोलता है कि माँ, आज 2 अक्टूबर है और हमारे स्कूल में गांधी जी का जन्मदिन मनाया गया। और बोलता है कि हमने गांधी जी की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाई और हमें हमारी अध्यापिका ने एक कहानी गांधी जी के बारे में भी सुनाई। तो वो कहता है कि माँ, मैं भी आपको कहानी सुनाऊं? तो उसकी माँ वो कहती है कि बेटा सुनाओ। तो वो बताता है, एक बार जो कस्तूरबा होती है, जो गांधी जी की पत्नी होती है, वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है और उस पर किसी औषधि में दवाई का कोई भी असर नहीं होता है। तो जो गांधी जी होते हैं वो एक पुस्तक में उन्होंने पढ़ा हुआ होता है कि अगर बीमारी में नमक न खाया जाए तो इससे लाभ होता है। तो जिसकी वजह से वो अपनी पत्नी कस्तूरबा से कहते हैं कि तुम भोजन में नमक लेना बंद कर दो। तो जो उनकी पत्नी है वो कहती है कि बिना नमक के तो भोजन स्वादिष्ट ही नहीं लगेगा। और वो गांधी जी से कहती है कि अगर आपसे कोई नमक ऐसा करने के लिए कहे तो आप करेंगे क्या? तो जो गांधी जी होते हैं वो अपने मन पर विचार करते हैं और कहते हैं पर उपदेश कुशल भव तेरे, कि दूसरों को उपदेश देना बहुत ज़्यादा सरल है लेकिन उसे स्वयं करना बहुत मुश्किल। तो वो कहते हैं कि अगर कोई मुझे मेरे भले के लिए ऐसा कुछ कहेगा तो मैं उसे अवश्य ही पूरा करूँगा, उसे अवश्य ही अपने जीवन पर लागू करूँगा। तो जिसकी वजह से वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए 1 वर्ष तक नमक लेना खाने में बंद कर देता हूँ। तो जिसकी वजह से जो कस्तूरबा होती है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और वो भोजन में नमक लेना बंद कर देती है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी ही स्वस्थ हो जाती है। तो जो विशाल है उसकी माँ कहती है कि विशाल, गांधी जी ऐसे ही थे कि वो दूसरों को कोई भी काम करने से पहले स्वयं वो काम करते थे। उसके बाद हमारे शब्दार्थ आते हैं। उस शब्दार्थ से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे कि इस पाठ से तुम्हें क्या शिक्षा मिले तो आपने यही बोलना है कि अगर हम किसी को कोई उपदेश दे रहे हैं, चाहे वो उसकी भलाई के लिए क्यों ना हो,
पहले हमें वो अपने जीवन पर भी लागू करना चाहिए। तो शब्दार्थ, तस्वीर, चित्र, औषधि, दवा, लाभ, फायदा, स्वादिष्ट, अच्छे स्वाद वाला, परोपदेश, दूसरों को उपदेश देना, प्रभाव, असर, भलाई, फायदा, शीघ्र ही, जल्दी ही, आज़ादी, स्वतंत्रता। तो इस तरीके से हमारे शब्दार्थ कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट इज, गांधी जी का जन्मदिन कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि उनका जन्म किस सन में हुआ और कौन से स्थान पर हुआ, तो आपने बताना है 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। नेक्स्ट इज, विशाल के स्कूल में किसकी कहानी सुनाई गई? गांधी जी। नेक्स्ट इज, गांधी जी ने कस्तूरबा से नमक छोड़ने के लिए क्यों कहा? कि उन्होंने एक पुस्तक में पढ़ा था कि बीमारी में नमक न खाने से लाभ होता है, जिसकी वजह से वो कस्तूरबा से नमक भोजन में लेना बंद करने को कहते हैं। नेक्स्ट इज, गांधी जी ने स्वयं नमक खाना क्यों छोड़ दिया? कि उनका मानना था कि दूसरों को उपदेश देना सरल है, लेकिन उसको स्वयं मानना थोड़ा मुश्किल, जिसकी वजह से वो स्वयं नमक खाना छोड़ देते हैं। और आपको ये भी याद करना है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं हमारे रिक्त स्थान। फर्स्ट है, हमारे स्कूल में गांधी जी का खालिस्तान मनाया गया जन्मदिन, सभी ने उनकी तस्वीर पर खालिस्तान चढ़ाई, फूल मालाएं, एक बार कस्तूरबा बहुत खालिस्तान पड़ गई, बीमार, बीमारी में खालिस्तान ने खाने से लाभ होता है, नमक, बापू की बात पर कस्तूरबा पर बड़ा खालिस्तान हुआ, गंभीर असर। अब नेक्स्ट है आपके पर्यायवाची, और मैंने आपको पर्यायवाची बताया था कि उसी शब्द के जैसे समान शब्द, जैसे कि माँ, जननी, अम्बा। अब है दिन, दिवस, वार या फिर वासर, भोजन खाना, आहार। नेक्स्ट है, निम्न को क्या कहते हैं? माँ का भाई मामा जी, पिता के पिताजी दादाजी, माता की बहन मौसी जी, माता की माता जी नानी। इस तरीके से इन्हें करेंगे। उसके बाद भला शब्द दिया गया है, जैसे भला का भलाई, उसी तरीके से जो नीचे शब्द दिए गए हैं वो हमें बनाने, मीन्स हमें पीछे लगानी है ई, अच्छा, अच्छाई, बुरा, बुराई, इस तरीके से। इस तरीके से हम इन्हें कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट है, गांधी जी के जीवन से संबंधित कुछ प्रसंग लिखिए, मीन्स आपको गांधी जी के बारे में लिखना है। आप यही लिख देंगे कि गांधी जी थे वो दूसरे लोगों से कोई काम करवाने से पहले खुद उस काम को करते थे, वो लोगों का भला चाहते थे, और उनका जन्मदिन कब मनाया जाता है, जन्म कहाँ हुआ, उनकी पत्नी का नाम क्या था, इस तरीके से आप लिखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न महापुरुषों के जन्मदिनों की जानकारी। जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889, लाल बहादुर शास्त्री 2 अक्टूबर 1904, इंदिरा गांधी 19 नवंबर 1917, नेताजी सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1897। इस तरीके से आप इनके जन्मदिनों को याद करेंगे, जो इनकी बर्थ डेट है। अब नेक्स्ट में पूछा गया है, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें दूसरों को कोई उपदेश देने से पहले उसे स्वयं उस उपदेश को हमें पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका बहुवचन, मीन्स आपका एक वस्तु को आपको अनेक में बदलना है। चित्र, चित्रों, कहानी, कहानियाँ, उपदेश, उपदेशों, व्यक्ति, व्यक्तियों, इस तरीके से आप इन्हें कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट आपका, निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखो। विलोम मीन्स उल्टा। लाभ, हानि, स्वादिष्ट, अस्वादिष्ट, शांत,
अशांत, बंद, खुला, प्रभाव, अप्रभाव, इस तरीके से आप इन्हें भी कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है आपका 10 पे शब्द से वाक्य बनाओ। स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक में तो ये वाक्य बना ही बनाएं, साथ में अपनी नोटबुक में भी इनको कर सकते हैं। जैसे कि निशान दिया हुआ है तो वाक्य बनाया हुआ है कि हमारे चलने पर पैरों के निशान छप जाते हैं, कि हम कहीं पर भी चलते हैं तो पैरों के निशान बन जाते हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छी की मिठाई अच्छी होती है, या फिर वह लड़की बहुत अच्छी है, मुझे वह पुस्तक बहुत अच्छी लगती है, इस तरीके से आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। बस ये शब्द उस वाक्य में प्रयोग होना चाहिए। इस तरीके से आप इन सभी शब्दों का प्रयोग करके वाक्य में वाक्य बनाएंगे। और इस तरीके से जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है, बापू की सीख, वो कंप्लीट होता है कि जो बापू होते हैं उनका ये मानना होता है कि दूसरे लोगों को उपदेश देने से पहले हमें खुद उपदेश का पालन करना चाहिए, और उसके बाद हमने हमारे क्वेश्चन आंसर को पूरा किया और साथ में हमारी बुक एक्सरसाइज को भी फिल किया, तो आपने भी ऐसा ही